प्यारे विद्यार्थियों, अज आप नौवीं जमात का सत्तवां पाठ सजीवां दे विच विभिन्नता डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम के बारे पढ़ांगे। सब तो पहला जिवें कि तुहानू पता है अते तुसी पिछलियां जमातां दे विच भी पढ़िया है, सजीव अते निर्जीव इन्हां शब्दों तो तुसी जाणू हो। सजीव भाव लिविंग ऑर्गेनिजम्स अते निर्जीव नॉन लिविंग। नॉन लिविंग तुहानू पता है ऑब्जेक्ट्स की गल आपां करदे हाँ, अते लिविंग दे विच जिंदा रहन वाले जीवित जीव जंतु आउंदे हन। लिविंग दे विच आपां तीन किस्मां बारे पढ़दे हाँ, पौधे, जंतु अते सूखम जीव। ये तिने जो हन ये सजीव हन, अते इन्हां दे विच अगे होर भी बहुत सारे समूह आउंदे हन, किस्मां आउंदियां हन। निर्जीव वस्तुआं जिमें कि अंतर तुसी पढ़िया है कि सजीव वस्तुआं जो सजीव ने वो साह लैंदे हन, जिमें कि आपां मनुख भी सजीवां दे विच आउंदा है, मनुख एक जंतु है, उस तरह पौधे भी साह लैंदे हन, सूखम जीव साह लैंदे हन। इस तो बाद बहुत सारियां क्रियावां जिमें कि भोजन खाना, लहू गेड़ प्रणाली, मल त्याग प्रणाली, ये सारिया प्रणालियाँ अंग शरीरक बनतर ये सजीवों के ही देखी जाती है। सजीवों के वाधा विकास हुंदा है, निर्जीव वस्तुओं के कोई वाधा विकास नहीं हुंदा। जिमें कि गल करिए लकड़ की कोई कुर्सी है तो वह निर्जीव है, वह जिस जगह पर पई है उसते ही पई रहेगी जदों तक कि आप उसकी जगह ना बदलीए। इस तरह एक होर अंतर आ गया कि सजीव चल फिर सकते हैं, निर्जीव चल फिर नहीं सकते। तो यह तो है बेसिक ज सजीव अते निर्जीवों के अंतर जिसनों तुसी पढ़िया होया है। हुण आपां गल करते हाँ सजीवों की। सजीवों के मुख तीन कैटेगरीज आपां पढ़ते हाँ, पौधे, जंतु अते सूखम जीव। पौद्यां दियां भी बहुत सारियां किस्मां हन, जंतु भी बहुत तरह के ने, सूखम जीव भी काफ़ी तरह के होंदे हन। विभिन्नता, विभिन्नता तो भाव है कि कोई भी जीव एक दूजे दे नाल पूरी तरह मेल नहीं खाता, जीवों के अंतर उसनू आपां विभिन्नता या डाइवर्सिटी कहिंदे हाँ। सजीवों के विभिन्नता होण कारण ही दुनिया के लखां करोड़ां प्रजातियां सजीवों दियां पाईयां जांदियां हन, क्योंकि कोई भी प्रजाति एक दूजे दे नाल मेल नहीं खांदी, सारयां दे विच कुछ ना कुछ अंतर हन जिस तो कि इस कुदरत की सिरजना हुई है। जिवें आपां नूं पता है कि पौधे अते जंतुओं के भी अंतर ने, बेसिक डिफरेंसिस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन्हों तो आपां भली भांति जाणू हाँ। जिवें कि सब तो पहला तो शरीरक बनतर है, पौधे दियां जड़ां हुंदियां हन, तना हुंदा है, पत्ते हैं, फुल हन। उस तरह ही जंतु जड़े हन, उन्हां दे हाथ हन, पैर हन, अखां हन, वो चल फिर सकते हैं। पौधे जड़ां राहीं इको ही जगह ते रहिंदे हन, वो चल फिर नहीं सकते। उस तरह सूखम जीव वो इस तरह के जंतु हैं जिन्हां नूं आपां नंगी अख नाल वेख भी नहीं सकते, वो हवा ते, पानी, धरती, मिट्टी हर जगह ते आपां नूं मिलते हैं। उन्हां नूं देखण दे लई आपां नूं सूखमदर्शी यंत्रां दी लोड़ पैंदी है। तो ये जिहड़े हन इन्हां दे विच वख वख अंतर हन, इन्हां अंतरां करके ही विभिन्न प्रजातियां धरती दे उत्ते पाईयां जांदियां हन। जिवें किस तरह के अंतर हन, किस्मां दे विच अंतर है, आकार दे विच अंतर है, वड्डे होना, छोटे होना, ज़्यादा सैल होना, टिशू होना, अंग होना, अंग प्रणालियां होना, वो जिहड़े काम करते हैं उस दे हिसाब नाल भी इन्हां दे विच विभिन्नतावां पाईयां जांदियां हन। जिवें कि पौद्यां दे बारे आपां देखिए तां पौद्यां दीआं किन्नीआं किस्मां ने, झाड़ी भी हुंदी है, रुख भी हुंदे हन, बूटी भी हुंदी है। तां पौद्यां दे विच वख वख तरह के पौधे हन, जंतु, छोटे जंतु भी हन जिवें कि डड्डू है, किरली है, सप है, तो काफ़ी तरह के जंतु ने, पंछी आ गए, मनुख आ गए, मनुख भी एक जंतु है। सूखम जीव जिमें कि जीवाणु है, विषाणु, काई, प्रोटोजोआ, उल्ली, तो ये काफ़ी तरह के सूखम जीव हैं। ये कुछ ही प्रजातियां दे नाम मैं गिने हैं, तो अपनी दुनिया दे विच कुदरती तौर पर लखां करोड़ां प्रजातियां हैं। जेकर आपां इन्हां दे अध्ययन करन दी गल करिए तो इन्हां सारियां प्रजातियां नूं आपां एक एक करके नहीं पढ़ सकते, जिस दे लई है वर्गीकरण, क्लासीफिकेशन। धरती ते साडे आले दुआले जीवन दी असीमित विभिन्नता नूं बनन दे विच करोड़ां साल लगे हन। बच्चों जिहड़ियां प्रजातियां दीआं गल कर रही हां मैं, वह प्रजातियां एक दिन दे विच नहीं बनियां हन, करोड़ां ही सालां दे विच
कुदरत ने यह बहुत सारिया प्रजातियां पैदा हुई हैं, पर साढ़े कोल इन्हां जीवन नू जानन अते समझन दे लई बहुत थोड़ा समा है। असी हर एक जीव ते एक एक करके विचार नहीं कर सकते, तो इस समस्या लई असी की करते हैं, असी सजीवां दे ओह सांझे गुण कॉमन करैक्टरिस्टिक्स लभदे हाँ जिन्हां दे आधार ते असी उन्हां नू ग्रुपां दे विच वंड सकते हैं। कॉमन करैक्टरिस्टिक तो मतलब है कि हर एक प्रजाति दे विच कोई ना कोई इस तरह का लक्षण जरूर हुंदा है जेड़ा उसनू किसी दूजी प्रजाति तो वख करता है। उदाहरण के तौर पर आप मनुख की ही उदाहरण देंगे हाँ, पांच उंगलों का होना। सिर्फ मनुख ही ऐसी प्रजाति है जिस दे हत्थां अते पैरां दे विच पांच पांच उंगलां हुंदियां हन, तां इह एक ऐसा लक्षण है जो मनुख नूं दूजियां प्रजातियां तो वखरा करता है, अते इन्हां ही लक्षणां दे आधार ते असी उन्हां नूं ग्रुपां दे विच वंड सकते हैं, अते फिर उस ग्रुप नूं समूह दे वजों असी पढ़ सकते हैं। तो उस समूह विच जिन्ने भी सजीव होणगे उन्हां सारिआं बारे असी जाण सकते हैं। जीवन दे इन्हां विभिन्न रूपां दी विभिन्नता दा अध्ययन करन लई ढुकवें समूह यानी कि सही समूह बनाउण दे लई सानू ये जानना पएगा कि किहड़े ओह विशेष लक्षण ने जिहड़े जीव समूहां दे विच अंतर दसदे हन, क्योंकि अंतर दे आधार ते ही असी वख वख समूह बना सकते हाँ। सो इस ही तरीके नाल सब तो पहला तां सजीवां दे वड्डे समूह बन जाणगे, अते फिर उन्हां वड्डे समूहां दे विच्चों कुछ महत्वपूर्ण गुणां दे आधार ते असी उन्हां दे छोटे समूह बना सकांगे, अते बड़ी ही आसानी दे नाल असी सजीवां दा अध्ययन कर सकते हाँ, उन्हां बारे पढ़ सकते हाँ, उन्हां दे लक्षणां नूं जाण सकते हाँ।